गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। चलिए आज हम ना देखते हैं कि क्या अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी गलत किया, ठीक है, रीजन कुछ भी हो, तो क्या आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए रीजन तो बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे, रीजन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट रीडिंग है, बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट रीडिंग है। ओके, चलिए देखिए, आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए, आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं, आप खुद देख लीजिए कि उनका क्या हाल है। क्योंकि जिसे बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का मतलब जो हालात चल रहे हैं बहुत बुरे हैं। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा उनका जो, अगर उनका, देखिए मैं सारे सिनेरियो बताती हूँ, अगर लव रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, ठीक है, अगर मैरिज या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए थे, तो वहाँ पे भी मेरे को यही दिखाई दे रहा है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है, वहाँ उनकी बन नहीं रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और कईयों के तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। ठीक है, मतलब पूरी जिसे बोलते हैं ना एक काली छाया उनके रिलेशनशिप पे या उनके वर्क पे या उनकी मैरिज लाइफ पे आ चुकी है, वो है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इन चीज़ों से निकला जाए किसी ना किसी तरह से, वो मतलब एक माइंड में सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन हालातों से निकलूं, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सरेंडर कर दिया है भगवान पे कि जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि मैंने किसी इंसान के साथ गलत किया है। देखो, जिसने गलत किया हो उस बंदे को पता होता है कि मैंने सामने वाले बंदा या बंदी के साथ क्या किया है, पता सब होता है। लेकिन कोई भी अपने में कोई ऐसा इंसान होता है जो बोलता है कि हाँ मैं गलत हूं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका घमंड इतना दिमाग पे हावी होता है कि उनको अपनी बात के आगे किसी का कुछ दिखता ही नहीं है। तो हो सकता है आपके पार्टनर भी सेम थे, ठीक है, कि उनका घमंडी इतना ज्यादा था कि उनको लगता था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सामने तो हजारों आ सकती है। देखिए भैया, अगर तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन हो सकते हैं तो सामने वाले के पास भी बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बात कहाँ पे आती है, सच्चे प्यार पे। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको आप मेन तो जो मेरे को दिख रहा है आपको इज्जत एक रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए थी वो नहीं। ठीक है, लेकिन फिर जैसे उन्होंने किया वैसे ही उनको आगे मिला। अगर उनका थर्ड पार्टी में गए तब भी उनका इस वक्त हालात जो है बहुत बुरे चल रहे हैं। अगर उनकी मैरिज होके वो आगे बढ़े वहां पे भी उनको कुछ भी नहीं दिख रहा, यहां तक कि मेरे को कईयों के पार्टनर का तो लग रहा है कि डिवोर्स तक पे बात चली गई है। ठीक है, और जो लोग अनमैरिड थे थर्ड पार्टी की वजह से गए थे, ठीक है, उनका भी वहां से बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। आप खुद ही देख लो, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद ही दिख रहा है। एक काली छाया जैसे होती है ना कि मतलब काली छाया किसी रिलेशनशिप पे किसी वर्क पे, उनको ग्रोथ, अगर मैं तीन चीजें देखूँ ना, लव मैरिज और करियर, तीनों में कुछ भी आपके पार्टनर को सक्सेस नहीं मिल पा रही। आपके सामने देखिए मैंने डेक शफल किया है, आपके सामने मैंने दोनों कार्ड रैंडमली निकाल लिया है। ठीक है, तो जो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये हालात है आपके पार्टनर के, कर्मा तो देखिए वो फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी किसी के साथ बुरा करके बच नहीं सकता। हमको लगता है कि नहीं वो तो ऐसे है वो तो वैसे है, नहीं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि लोग दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और है। हो सकता है आपको डीपियां वीपियां दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन अंदर से जो उनके हालात है वो ये है। ठीक है, और एक बात बोलूं, वो आपको कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अब उनको ये चीज का रियलाइज हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मैंने सामने वाले बंदे के या बंदी के साथ बहुत गलत किया जिनका मेरे को ये कर्मा मिल रहा है। ठीक है, तो ये है रीडिंग। तो गाइज, अगर रीडिंग अच्छी लगी है या आपको पता लगा, आपको लगा कि हाँ वाकई ही ऐसे हालात है, क्योंकि कई लोगों को पता है कि उनके पार्टनर क्या फेस कर रहे हैं, कईयों को नहीं पता। अगर जितनी भी रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल नैना स्टेरवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइज, बाय बाय।